हम को कर लेते हैं किस के के लिए पर्पस के लिए तो ये एक तरीके का टेक्सिनौमिकल का टेक्सिनौमिकल एड है है तो अगर आप पत्ती पत्ती को ले रहे हो तो तो में बहुत होता है। तो फटाक से हम इसको ऐसे ही नहीं रख सकते उसको करना पड़ता है ठीक तो इस तरीके से हम का इस्तेमाल करते हैं उन को करने के के लिए जो है पर मतलब

ठीक है जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों दैट इसमिकल एड पहले इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं बच्चों इसका मतलब क्या होता है बच्चों कुछ बोलते हैं डिजीज बच्चों हम डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट इसका क्या मतलब है हेल्प ठीक है जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना ठीक है तो किस में मदद करता है जब हमें चोट वगैरह लग जाती, इंजरी लग जाती है हम उस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, हेल्प लेते सिमिलरली अगर हम किसी चीज की मदद लेते हैं टेक्सोनॉमी पढ़ने के लिए तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड आपको पता है बच्चों टेक्सोनॉमी क्या होती है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी वो साइंस है जो डील करती है क्लासिफिकेशन

जो पॉइजनस स्नेक्स होते थे उनके पास जा करके उनके उनपे स्टडी नहीं कर सकते तो वो भी एक तरीके का वर्चुअल स्टडी है क्योंकि आप उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग पीरियड कब होता है कब ऑफ स्प्रिंग्स वो डिलीवर करते हैं किस इन्वायरमेंट में रहते हैं क्या खाते हैं ये सब कुछ तो बताता है तो सारे ऑर्गेनिज्म से रूबरू तो करा रहा है आपको इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है ठीक है तो तो वो भी एक तरीके का है।, तो उसी से, एड है उसी तरीके से हमारी एनसीआर ने भी कुछ टेक्सोनोमिकल एड्स के बारे में बताया है जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्सोनॉमी को पढ़ सकते हैं है ना जैसे यार हम ना बहुत प्रोफेशनल नहीं है वी आर नॉट प्रो इन टू दिस फील्ड कि हम जंगल में उतर जाएं और जो जंगली जानवर उनके साथ रह करके उनके बारे में स्टडी कर सके पढ़ सके तो वो वाइल्ड है आपको खा जाएंगे आप बचोगे ही नहीं अब जिंदा ही नहीं रहोगे तो पढ़ाई क्या करोगे भैया जान तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो इसीलिए हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि यार प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना उनकी भी डेथ हो जाती है आपको पता होगा एक स्टीव uh, इरविन है यूट्यूब पर आप सर्च कर रहे इनकी वीडियो भी है uh, अब तो ही इज नो मोर क्योंकि ये भी एक तरीके के जो आप देखते हो ना मैन वर्सेज वाइल्ड उसी टाइप के जो उनका होस्ट है उसी टाइप के स्टीव इरविन भी थे और उनको शार्क मछलियाँ बहुत पसंद थी बट हुआ क्या एक बीते दिन तो वो उतरे पानी में और उनकी डेथ किसकी वजह से होगी सोचो यार स्टिंग स्टिंगस फिश ठीक है जो स्टिंग रे होती है उसकी वजह से वो मर गए पूरी एक वीडियो शू, वो शूट ही कर रहे थे और उसी के दौरान उस, वो उनका जो स्टिंग रे है आपको पता है कितनी पॉइंटेड होती है उसका वो जो वो जो आपका देखा होगा आपने जो लास्ट में होता है वो उनके चेस्ट में पेनिट्रेट कर गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई तो सोचो आप एक प्रोफेशनल की जो हाईली ट्रेंड है वो अगर कोई स्टडी करने जा रहा है तो उनकी डेथ हो सकती है तो हम तो भैया सोच भी नहीं सकते तो हम किताबी जानकारी से पढ़ेंगे टेक्सोनो ठीक है तो हमने टेक्सोनॉमिकल एड क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों अभी तक आपको काफी सारी चीजें पता चल चुकी होंगी है ना तो आओ देखते हैं व्हाट इज एड 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 क्या होता Help करता है है हेल्प करता डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में और अगर आपको और फ्यूचर पर्पज के लिए यूज करना है तो आपने देखा होगा अपने बायोलॉजी लैब में छोटे छोटे जार्स होते हैं तो हम स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं किस पर्पज के लिए फ्यूचर पर्पज के लिए तो ये एक तरीके का टेक्सोनॉमिकल का

ठीक है उसकी पिक्चर लगा दिया विराट कोहली की पिक्चर लगा दिया है ना तो ऐसे ऐसे करके वो बुक किसकी बन गई क्रिकेटर उसकी बुक बन गई है ना सिमिलरली हम क्या करते हैं में बच्चों पेड़ पौधों को चिपकाते हैं ठीक है लेकिन उनकी फोटो खींच के नहीं चिपकाते एक्चुअल उठा करके उनको चिपकाया जाता है और फिर उस किताब को हम क्या बोलते हैं हरबेरियम तो हरबेरियम क्या है बच्चों हरबेरियम को बनाया जाता है हरबेरियम शीट्स पर किस पे बनाया जाता है बच्चों हरबेरियम शीट्स पर ठीक है हरबेरियम शीट्स पर जैसे आप कुछ चीजें बनाते हो ना ए फोर साइज पर तो ए फोर साइज की पेपर बहुत साइज बहुत छोटी होती है हरबेरियम ए थ्री पेपर देखा होगा बच्चों उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है तो उसी के जैसा हमारा मार्केट में स्टेशनरी की दुकान पर हरबेरियम शीट मिलता है ठीक है तो आप जाते हो स्टेशनरी की दुकान पर बोलोगे कि आपको हरबेरियम शीट चाहिए तो वो हरबेरियम शीट दे देते दे हैं दैट मीन्स हरबेरियम शीट स्पेसिफिक है चीज में स्पेसिफिक है बच्चो? है बच्चों? अपने साइज को लेकर के स्पेसिफिक और इसकी जो साइज होती है ठीक तो है, ये इस का होता है। तो ये साइज है तो हम हरबेरिया जब बनाते हैं तो मार्केट से जाके हरबेरिया शीट्स खरीदते हैं और इसकी एक फाइल भी आती है और उस फाइल के अंदर उस शीट्स को सारा का सारा लगा देते हैं ठीक है मान लो इस तरीके का आपका हर्बेरियम शीट है ठीक है दिस इज योर हर्बेरियम शीट ये बना लिया हमने हर्बेरियम शीट तो अब इस शीट पे करेंगे क्या हमने कहा है इस शीट पे हम लगाएंगे पौधों को ठीक है अब पौधे छोटे छोटे वाले भी होते हैं घास तो बहुत छोटा है तो जैसे घास है तो घास बहुत छोटा था तुम उसको पूरा का पूरा जड़ समेत यहाँ पर लगा सकते हो ठीक है यहाँ तो पर तुम एक घास को जड़ समेत लगा सकते हो उसमें तो तुम्हें रूट भी दिखाई देगी बच्चों जो मोनोकॉट तो तो होगी ठीक है मतलब मोनोकॉट की रूट कैसी होती है फाइबरस भी हो सकती है एडवेंटिशियस भी हो सकती है और अगर छोटे पौधे हैं तो उसमें आपको स्टेम और लीव्स दिखाई देंगे और कोशिश करना कि उसमें तुम्हें इनफ्लोरसेंस या फ्लावर भी दिख जाए बट ये तुम तभी कर सकते हो जब पौधा बहुत छोटा है या हर्ब्स है तो इसमें तुमको ये सारे पार्ट्स उसके इंटैक्ट दिखाई देंगे अच्छा बच्चों कीड़े मकोड़े वाले पौधे मत लगा देना मतलब किसी की पत्तियां खराब होती है नहीं वो मत लगाना ठीक है तो ये तुमने यहां पर चिपका दिया तो दिस इज हर्बेरियम शीट बट यार आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है बहुत वुडी है तो तुम पूरा का पूरा पेड़ उठा करके इस हर्बेरियम शीट पे तो आएगा ही नहीं भैया इस जिंदगी में तो कभी नहीं आएगा तो हम उन पेड़ों के लिए क्या करते हैं जो बहुत वुडी है तो हम सिर्फ हम सिर्फ क्या करेंगे मान लो ये आपका हर्बेरियम शीट है बच्चों ठीक है मान लो ये आपका हर्बेरियम शीट है तो उनमें क्या करते हैं तो उस पर जड़ समेत हम नहीं लगा सकते तो हम कोशिश करते हैं हमें छोटी सी टूग मिल जाए टूएग मतलब ये छोटी सी पतली सी स्टेम है और इस स्टेम पे आपको थोड़ी बहुत उसकी लीव्स लगी हुई मिल जाए सो दैट आपको लीव्स का पैटर्न पता चल सके ना कि उसकी फाइलोटेक्सी क्या है और कोशिश करना कि फ्लावर के साथ मिल जाए या इनफ्लोरसेंस के साथ मिल जाए क्योंकि बहुत वुडी को तो हम डायरेक्टली नहीं चिपका सकते ठीक है तो ये कोशिश करते हैं अच्छा आपको पता है अगर आप पत्ती को ले रहे हो तो, पत्ती में बहुत होता है। तो फटाक से हम इसको ऐसे ही नहीं रख सकते हैं है है है। है अगर आप गुलाब का फूल आपको मिलता है ठीक है तो हम क्या करते हैं जैसे हमारी आदत है कि हम कहते थे यार विद्या बढ़ानी है जैसे हमारे टाइम पर ये बहुत आ, ये एक थ्योरी थी पता नहीं कहाँ से आई थी कि एक मोर मोर पंख को रख लो या एक प्रॉपर एक प्लांट आता था उसकी पत्ती को रख लो विद्या बढ़ जाएगी ऐसा हम सक सोचते थे सब लोग तो आपने देखा होगा जब हम पत्तियों को या फूल को किताब के अंदर रखते हैं तो उस जगह का पूरा पेपर सड़ जाता है खराब हो जाता है है ना फंगस लग जाती है क्यो? क्यों क्योंकि क्यों, वहाँ मॉइस्चर होगा और आपने प्रॉपर सुखा करके रखा नहीं होगा ठीक है तो जब भी हर्बेरियम शीट लगाई जाती है बनाई या कोशिश करना है कि प्रॉपर ड्राइंग होना चाहिए उसका प्रॉपर ड्राई करके प्रेस करके फिर उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर माउंट करना होता है देन उसको माउंट करना होता है माउंटिंग उसको पर रखना होता है, तो अगर मैं सबसे पहला तो आपको करना पड़ता है आपके लिए बता रही हो तो सबसे पहले आप करोगे कलेक्ट कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर करोगे ड्राइंग ब्लॉटिंग पेपर से चिपकाओगे तो हमें जब हमने बनाया था ना तो हमें बोला था न्यूज़पेपर के अंदर रख दो और गद्दे के नीचे दबा दो क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर रखोगे पेपर है एक्स्ट्रा पानी सोख लेगा और गद्दे के अंदर रखोगे तो साथ साथी साथ प्रेस भी हो जाएगा और फिर भी अगर मॉइस्चर नहीं गया फिर भी अगर मॉइस्चर नहीं गया तो अगर आपको बहुत टाइम तक के लिए हर्बेरिया चलाना है ठीक है तो एक और स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं है बच्चों कि उसको मार देना है पॉइजनिंग का मतलब होता है केमिकल से ट्रीट करना है कौन से केमिकल से एच जी सी एल टू सो दैट जो भी माइक्रोब्स हैं अगर हैं तो वो मर जाएं सो दैट हमारा हर्बेरिया हर्बेरियम शीट खराब ना हो सके जब हम अच्छे लेवल पे करते हैं स्कूल में तो हम मार्क्स लेने के लिए करते हैं तो ना भी करो तो चल जाएगा ठीक है तो हमने लगा दिया उसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी होती है ये बहुत ज़रूरी है बच्चों वॉट ऑल द इंफॉर्मेश्स यू हैव टू राइट तो सबसे पहले आपको मान लो आप कलेक्ट कर रहे हो तो जैसे मैं कलेक्ट कर फॉर एग्जाम्पल तो आई विल राइट नेम ऑफ़ कलेक्टर फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट प्लेस ऑफ कलेक्शन प्लेस ऑफ कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल मैंने नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से कलेक्ट किया है तो आई विल राइट नोएडा बोटेनिकल गार्डन ठीक है yeah. अगर माने मैंने पर्टिकुलर डेट को कलेक्ट किया डेट ऑफ कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मार्च को मैंने कलेक्ट किया तो आई विल राइट मार्च टू इसके बाद आपको तीनों नाम लिखने होंगे इसके कौन कौन से तीन नाम है ठीक है हम मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों वर्नेक्युलर नेम जिसको लोकल नाम बोलते हैं वर्नेक्युलर नेम लोकल नेम इंग्लिश नेम इंग्लिश नेम, नेम और साइंटिफिक नेम ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बच्चों हरबेरियम शीट पर लिखनी होती है अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या इसके अलावा और कोई चीज होती है जो हर्बेरिया शीट पर लिखी जाती है मतलब अगर आपसे पूछा जाए प्लांट का वेट लिखते हैं प्लांट की हाइट लिखते हैं प्लांट का वेट लिखते हैं तो आप क्या बोलोगे नहीं ठीक है बच्चों तो हम हाइट वेट वे ये सब नहीं लिखते हैं ठीक है और क्योंकि ये प्लांट का साइंटिफिक नेम है तो अगर आपसे पूछा जाए बोटेनिकल नेम लिखते हो तो बोलना हाँ भैया लिखते हैं ठीक है और इसके अलावा सात सातवीं चीज और आप और लिखते हो दैट इज फैमिली कि किस फैमिली को ये बिलोंग करता है जैसे तुमने टमाटर लगा दिया टमाटर का पौधा ठीक है तो यू हैव टू राइट दैट इट बिलोंग्स टू ठीक है सो ये हो गया बच्चों हर्बेरियम अच्छा ये जो हर्बेरियम में है इसमें तुम क्या कर रहे हो पौधों को ड्राई कर रहे हो प्रेस्ड कर रहे हो तो ये जिंदा तो है नहीं तुमने तो इसको हटा लिया है ये तो मर चुका है तो ये प्रिजर्व फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन है कौन सा प्लांट स्पेसिमेन ठीक है तो इसको हम लिखते हैं ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्वड फॉर्म ऑफ प्रिजर्वड फॉर्म ऑफ प्लांट स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ प्लांट ठीक है नेक्स्ट इसको बोला जाता है क्विक रेफरल सिस्टम क्योंकि तुमने हर्बेरिया शीट उठाई तो सारे पौधों के बारे में आपको पता ही चल जाएगा कि उसका स्टेम कैसा होता है ठीक है ग्रास है मोनोकॉट है छोटा पौधा है है, है तो 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 तक पता पता तो पता चल जाएगा। पता चल चल जाता जाएगा, जाएगा, तो आपको आसानी आसानी से से कोई भी देखना है, तो से को कर सकते हो, सिस्टम ठीक है और एक तरीके का ये किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों एक तरीके से ये एक्ट करता है स्टोर हाउस स्टोर हाउस क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस ठीक है सो यस दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज हर्बेरियम ठीक है नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों दैट इज अबाउट बोटानिकल गार्डन जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक नोएडा में बोटानिकल गार्डन है जो के के आसपास के लोग होंगे उनको पता होगा है ना अदरवाइज बोटानिकल गार्डन है क्या गार्डन तो सबको पता होगा तो इस गार्डन में स्पेसिफिकली आपको क्या दिखाई देंगे प्लांट्स दिखाई देंगे है ना और यहाँ पर जिंदा होंगे नॉट लाइक like हर्बेरिया तो हर्बेरिया में स्पेसिमेंट्स थे ठीक है यहाँ पर लिविंग प्लांट स्पेसिमेंट्स का कलेक्शन होगा ठीक है तो ये बात को लिखते हैं बच्चों कि वॉट इज बोटेनिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन इज कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीशीज लिविंग प्लांट स्पीशीज ठीक है और ये किस चीज के लिए यूज होता है बच्चों बोटेनिकल गार्डन इट इज यूज फॉर स्टडी एंड रिफरेंस अगर बच्चों कोई बच्चे रिसर्च कर रहे हैं इसी बॉटनी के फील्ड में ठीक है और उनको दिखाना है उनको स्टडी करना है तो उन पर्पज के लिए बोटेनिकल गार्डन्स होता है उन पर्पज के लिए बोटैनिकल गार्डन होता है और साथ ही साथ आप इकोलॉजी क्लास ट्वेल्व में पढ़ोगे तो अगर कोई एक स्पीशीज है प्लांट का वो एक्सटेंट होने वाला है है ना तो उसको ह्यूमन केयर की जरूरत है तो ऐसे प्लांट को हम बोटेनिकल गार्डन में कंजर्व कर सकते हैं तो इस तरीके कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं एक्स c2 कंजर्वेशन यह पढ़ोगे क्लास ट्वेल्थ में xc2 कंजर्वेशन xc2 क्यों बोला जा रहा है बच्चों देखो क्योंकि प्लांट का जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है वो तो जंगल में रहना पसंद करेंगे बड़े आराम से बट उनको वहां से अपने घर से उठा करके कहीं और कंजर्व किया जा रहा है ठीक है इस तरीके के कंजर्वेशन को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलते हैं ऑफ साइट मतलब अपनी घर से कहीं दूर ऑफ साइट कंजर्वेशन ठीक है सो so दैट उनको प्रॉपर ह्यूमन केयर मिल सके क्योंकि अगर वो एक्सटेंट हो गए एक्सटेंट मतलब खत्म उनकी पूरी स्पीशीज खत्म खानदान खत्म ठीक है तो इस तरीके से हम बोटैनिकल कोडन का इस्तेमाल करते हैं उन स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए जो एंडेंजर्ड है द वन हु इज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शनस ठीक है और फिर हमारी एनसीआर लिखती है कि बोटेनिकल गार्डन में जाओगे बच्चों पेड़ होगा बहुत सारे पेड़ होंगे ठीक है क्योंकि ये गार्डन है बहुत सारे पेड़ों का हर तरीके के पेड़ होंगे ठीक है वुडी पेड़ छोटे पेड़ हरबे हरबे शेष तो आपको एक पेड़ में जहां पर ये पेड़ ना इसकी स्टेम जो ट्रंक होती है बच्चों अगर आपने कोई बोटेनिकल गार्डन देखा है तो वहां पर इसका नाम लिखा होता है ठीक है तो अगर मान लो ये मैंगो का पेड़ है तो उसका बोटेनिकल बोटेनिकल मतलब साइंटिफिक नेम लिखा होगा अलोंग विथ फैमिली ठीक है तो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका फैमिली उसकी क्या होती है एनाकार्डिएसी तो ये मेंशन होता है ठीक है अब कुछ एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स क्या है? मतलब नेम है बोटेनिकल गार्डन के जो आपको याद रखना है दुनिया का जो सबसे बड़ा है द रॉयल वन ठीक है तो उसको उसका नाम क्या है द रॉयल बोटानिकल गार्डन मैं आज दी फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है बच्चों और ये कहाँ पर है बच्चों क्यू क्यू कहाँ है इंग्लैंड ठीक है दिस इज दी और ये सबसे बड़ा है बच्चों यहाँ की हरबेरिया भी बहुत बड़ी है ठीक है हरबेरिया जो प्लांट का कलेक्शन है उस हरबेरिया में वो बहुत ज्यादा है ठीक है द लार्जेस्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बच्चों दैट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन इंडियन बोटेनिकल गार्डन नाम से पता चल रहा है इंडिया में होगा और कहाँ पर है ये हावड़ा दैट मीन्स कोलकाता ठीक है फिर एक है बच्चों हमारा नेशनल बोटानिकल गार्डन नेशनल बोटानिकल गार्डन है यूपी के कैपिटल में दैट इज लखनऊ अगर जो बच्चे लखनऊ के होंगे तो उनको पता होगा हजरतगंज जगह है वहां पर आपको बोटैनिकल गार्डन मिल जाएगा ठीक है ये वाला उसके बाद एक है लेट बोटेनिकल गार्डन लेआट बोटेनिकल गार्डन इट इज इन दी दार्जिलिंग और जब आप दार्जिलिंग घूमने जाओ या घूमने जाओगे तो इट इज वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस तो जरूर विजिट करना तो ये चार तरीके के बोटेनिकल गार्डन है पूछा जाता है कौन सा बोटानिकल गार्डन कहाँ इन दी मैच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है और याद रखना कि रॉयल वाला लार्जेस्ट हर्बेरिया वाला है ठीक है जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्सोनोमिकल एड है बच्चों दैट इज म्यूजियम दैट इज वॉट दैट इज म्यूजियम तो म्यूजियम तो आप वैसे भी विजिट करते हो नहीं तो स्कूल में म्यूजियम होता है कॉलेज में होता है यूनिवर्सिटी में होता है क्योंकि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसको स्टैब्लिश करती ही करती है अब अगर आपका स्कूल बहुत बड़ा है तो म्यूजियम एक अलग से होगा नहीं तो जनरली अगर नॉर्मल है तो आपको बायोलॉजी लैब में एक छोटा सा कॉर्नर दिखाई देता है जहां पर ऐसे ट्रांसपेरेंट जार्स होते हैं जिसके अंदर आपको मरे हुए सांप पड़े होते हैं मरा हुआ आपका वो

तो स्पेसिमेंट सॉरी म्यूजियम कौन स्टैब्लिश करता है तो म्यूजियम इट इज स्टैब्लिश बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इट इज स्टैब्लिश्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल लाइक कॉलेज लाइक यूनिवर्सिटी इनका अपना म्यूजियम होता है ठीक है म्यूजियम में होता क्या है बच्चों बच्चों को लगता है कि म्यूजियम का मतलब है कि स्पेसिमेंट्स को कंजर्व किया जाए लिक्विड में याद करो जो स्मरा हुआ सांप होता था था वो एक लिक्विड लिक्विड में होता था, उस लिक्विड था, होता उस को बोलते थे फॉर्मलिन बहुत ही बदबूदार केमिकल है खोलते ही स्मेल आने लगती थी है ना तो वो वेट स्पेसिमेन है बट जरूरी नहीं है कि म्यूजियम में सिर्फ वेट स्पेसिमेंट आपने डायनासोर के बड़े बड़े वो स्केलेटन देखे हैं ठीक है तो स्केलेटन्स को किसी पानी किसी लिक्विड में थोड़ी रख रहे हैं तो वो ड्राई स्पेसीमेंट है इंसेक्ट्स के लिए प्रॉपर इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं तो ये मत रट के बैठना कि म्यूजियम हमेशा वेट होता है म्यूजियम में वेट प्लस ड्राई स्पेसिमेंट्स दोनों हो सकते हैं स्पेसिमेंट्स कैसे होंगे बच्चों डेड होंगे डेड होंगे और प्लांट्स के भी स्पेसिमेंट्स हो सकते हैं एज वेल एज एनिमल्स के भी स्पेसिमेंट्स होते हैं ठीक है तो हर्बेरिया सिर्फ मरे हुए मतलब प्लांट स्पेसिमेंट्स थे बोटानिकल uh, गार्डन but, में सिर्फ प्लांट था बट लिविंग प्लांट था म्यूजियम में अब दोनों आ गया है प्लांट एज वेल एज एनिमल बट सारे मरे हुए हैं ठीक है एंड दे आर प्रिजर्व अब मरे हैं तो सड़ जाएंगे बदबू देंगे तो इसीलिए मरे हुए चीजों को हमें प्रिजर्व करना पड़ता है ठीक है तो इट इज प्रिजर्व इन कंटेनिंग containing with solution containing formalin containing formalin और formalin क्या होता है बच्चों आप chemistry में भी इसके बारे में पढ़ते हो formalin होता है aqueous solution of aqueous solution of formaldehyde aqueous solution of formaldehyde ठीक है फिर हमारी एनसीआर क्या कहती है कि अगर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है थीके? जैसे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को कलेक्ट करते हो फिर क्या करते हो किल करते हो उसके बाद उसको पिन कर देते हो पिन मतलब हाथ पैर पकड़ोगे उसको ऐसे उल्टा करोगे उसके हाथ को पिन लगा दोगे उसके पैर को भी पिन लगा दोगे किसमें इंसेक्ट बॉक्सेस में ठीक है वेयर इन इंसेक्ट बॉक्सेस तो इंसेक्ट बॉक्सेस किसके लिए होते हैं बच्चों इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं इंसेक्ट के लिए तो so जार भी इस्तेमाल हो सकता है बॉक्स भी इस्तेमाल हो सकता है ठीक है और अगर लार्ज एनिमल्स हैं ठीक है ठीके? और अगर बच्चों लार्ज एनिमल्स हैं लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड रेपटाइल्स इनको कैसे करते हैं इनको स्टफ कर दिया जाता है ठीक है जैसे कोई चीज पैकेज की जाती है बच्चों तो स्पेस नहीं देते बबल रैपिंग कर देते हैं और सामान भर देते हैं ना वो जो फाइबर लाइक -like आप देखते हो क्यों क्योंकि वो खराब ना हो सके तो इन बड़े बड़े जो होंगे एनिमल्स ठीक है उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है लार्ज एनिमल जैसे इसमें रेप्टाइल्स आ गया बर्ड्स आ गया मैमल्स आ गया इनको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व ठीक है इसमें एक और ऐड कर देती हूँ बच्चों मैमल्स ठीक है और क्या हो सकता है बच्चों म्यूजियम में म्यूजियम में हम और क्या रखते हैं म्यूजियम में स्केलेटन्स को भी रखा जाता है जो आप टीवी वगैरह में देखते हो ठीक है तो स्केलेटन्स तो स्केलेटन्स हो गया ये सारे स्टफिंग वाले एनिमल्स हो गए इंसेक्ट हो गए आप देखो ये सारे क्या है ड्राई फॉर्म है ठीक है जार वाले कैसे है वेट फॉर्म है इसलिए लिखा हुआ है वेट और ड्राई दोनों हो सकता है ओके okay, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की दैट इज ज़ुलॉजिकल पार्क तो जुलॉजिकल पार्क एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जो बच्चा बच्चा फेमिलियर होगा जिसको हम नॉर्मली जू भी बोलते हैं ठीक है वैसे हम कभी पढ़ने के लिए तो नहीं गए है ना वैसे तो हम बोलते हैं कि ये एक तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड है जो टेक्सोनॉमी से हमें रूबरू कराता है बट हम तो वहां फोटो खिंचवाने जाते हैं सेल्फी खिंचवाने जाते हैं पिकनिक मनाने जाते हैं है ना लोग आ रहे हैं घर से मान लो दिल्ली में आप रहते हो दिल्ली में घूमने आ गए तो बच्चा क्या इंजॉय करेगा मॉल जाते हैं बच्चे इंडिया गेट जाते हैं जुलॉजिकल पार्क चले जाते हैं है ना तो जुलॉजिकल पार्क क्या है बच्चों जुलॉजिकल पार्क में मिलेगा कलेक्शन ऑफ मरे हुए जानवर या लिविंग जानवर लिविंग एनिमल्स ठीक है किसके मतलब लिविंग एनिमल्स तो वाइल्ड एनिमल्स है बच्चों तो वाइल्ड एनिमल्स को तो आप देख नहीं सकते नॉर्मली ठीक है देख सकते हो मतलब वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अगर टाइगर को देखने जाओगे ना जंगल में अगर टाइगर खाना बन गए ना आप उसके तो आप जिंदा नहीं आओगे ठीक है तो यहाँ पर लिविंग एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है अंडर अंडर ह्यूमन ह्यूमन केयर, केयर एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इतनी protection रखी जाती है, इनकी तो बाउंड्री बाउंड्री फेंसिंग भी की जाती है बट तो आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा एक वीडियो आई थी आई गेस दिल्ली की थी वो जुलॉजिकल पार्क की जहां पर एक आदमी फेंस को क्रॉस कर रहा था बाउंड्री वैसे थी बट वो उसके

इसका सही मायने में क्या काम है स्टडी के लिए काम है स्टडी एंड रेफरेंस क्या चीज़ स्टडी करोगे आप एन में लिखा हुआ है किस चीज़ की स्टडी करते हैं उनके फूड हैबिट की और क्या देख सकते हो कि उनका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है ठीक है और किस चीज के लिए फायदा देता है बच्चों ये भी एक सी टू कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है जैसे जो जानवर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होने वाले हैं खानदान पूरा का पूरा खत्म होने वाला है तो वो बाहर घूमेंगे किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे नहीं तो हम इंसानों को भी हंट करने का शौक है हम ही मार के गिरा देंगे है ना <laughs> तो सर आपको पता है ना कुछ सेलिब्रिटी मैं नाम आपको पता ही होगा ठीक है ब्लैक बर्क वाला केस हुआ था है ना तो इतना इतना क्यों वैसे तो बहुत हिरन मारे जाते तो ब्लैक बग के मरने से इतना क्या हो गया क्योंकि वो बिलोंग करता था एंडेंजर्ड स्पीशीज को इसीलिए इतना ज्यादा बवाल हुआ था उस डियर के मरने पर है ना तो ऐसे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है व्हाट वी कैन डू फॉर देम वी कैन ब्रिंग आउट देम फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट है ना जुलॉजिकल पार्क तो उनके natural habits से निकाल करके तुम preserve, उनको एक दूसरे जगह पर preserve, conserve कर रहे हो conserve कर रहे हो इसीलिए इस तरीके के कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं एक्सटो कंजर्वेशन तो जुलॉजिकल पार्क को ये ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे बच्चों इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है ओके जुलजिकल पार्क भी पढ़ लिया तो यार जो आपने जुलॉजिकल पार्क पढ़ा ओनली फॉर एनिमल्स पढ़ा है म्यूजियम दोनों के लिए पढ़ा है ठीक है बोटैनिकल गार्डन सिर्फ प्लांट्स के लिए पढ़ा है हर्बेरियम में प्लांट पैसेमेंस जो ड्राई प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं मैं बार बार रिपीट कर करें सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए आपको सिर्फ पाँच मिनट लगे रिवाइज करने में ओके okay, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों जुलॉजिकल पार्क के बाद नेक्स्ट इज की की तो एक तो बहुत ही तो चलो पढ़ते हैं जब हम की, की बात करते हैं तो की किस परिटीज एंड डिसमिलैरिटीज पहले बच्चों सारी एनसीआर टी की बात लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी की ये एक लाइन एनसीआर टी की मतलब क्या मतलब क्या कहना चाहती है ठीक है इसमें एक सेंटेंस होता है बच्चों या तुम कहो इसमें एक स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड क्या कहा जाता है लीड हर एक लीड के हर एक स्टेटमेंट के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है ठीक है और उसको क्या बोला जाता है कपलेट कपलेट का मतलब पेयर है ना सबको पता होगा कपल का मतलब क्या होता है कपल में कितने इंडिविजुअल्स आते हैं दो तो कपलेट में कितने कैरेक्टर्स आते हैं दो ठीक है और स्पेसिफिक स्पेसिफिक की की आर यूज्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सब समझाएंगे बच्चों बस अभी आप लिखो और एक और एन में लाइन है दैट इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर एनालिटिकल इन नेचर तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बच्चों को समझाने के लिए कि मान लो आपके पास चार ऑर्गेनिज़म्स हैं एक बर्ड है एक बैट है एक फिश है और एक फ्रॉग है ठीक है वैसे तो आपको पता है बर्ड क्या है बैट क्या है फिश क्या है फ्रॉक क्या है बट आपसे बोला जा रहा है कि इन चारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करो अलग अलग करो कैटेगराइज करो क्लासिफाई करो बट इसको करने के लिए जो आपको टेक्सोनोमिकल एड इस्तेमाल करना है दैट इज की ठीक है दैट इज वॉट डेट इज की तो इसको कैसे करोगे तो सबसे पहले जब आपको की के बेसिस पर किसी को डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट एक सेंटेंस ठीक है क्वेश्चन ठीक है तो आप यहाँ पर बनाओगे डू दे हैव विंग्स तो आपने ये जो स्टेटमेंट बनाई है ठीक है ये जो स्टेटमेंट बनाई है इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा इस स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड ठीक है स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है लीड अब हर लीड के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे तो देखो इसके भी तुम्हें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं या तो जवाब आएगा येस, या तो जवाब आएगा नो यस और नो दोनों आपस में कंट्रास्टिंग है तो इन दोनों को क्या बोला जाता है इन दोनों को साथ में बोला जाता है बच्चों कपलेट क्या बोला जाता है कपलेट अच्छा मैं बार बार बोल रही हूँ इन दोनों को साथ में बोलोगे कपलेट कपलेट का मतलब दो तो यस और नो दो जो जवाब आए हैं इन दोनों को साथ में बोलते हैं हम कपलेट अगर तुम सिर्फ बोलोगे दे हैव विंग्स तो एक स्टेटमेंट बन गई तो इसको बोल देंगे हम लीड तुम अगर बोलोगे नो दे डू नॉट है तो उसको तो बोलोगे लीड सिर्फ इन दोनों को जब साथ में कंसिडर करोगे तो ही बनेगा कपलेट ठीक है बन गया कपलेट अब जो सिमिलर वाले हैं सिमिलर मतलब जिनके पास विंग होगा वो साथ में आ जाएंगे जिनके पास विंग नहीं होगा वो अलग हो जाएंगे इसीलिए इसी सिमिलरिटी को देखते हुए किसके पास विंग होता है बच्चों बर्ड के पास विंग होता है बैट के पास विंग होता है किनके पास नहीं होता फिश के पास नहीं होता फ्रॉक के पास नहीं होता तो आप देख सकते हो पहले चारों के चारों एक साथ थे हम उनको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे बट हमने ली मदद की की और की में बनाया हमने एक लीड और लीड के बाद हमें मिले दो इन को देखते हुए, हमने इनको अलग कर दिया ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी इनको अलग कर दिया क्योंकि सिमिलर नहीं थे क्योंकि इनके पास पंख नहीं था तुम इसको चाहो तो और अलग कर सकते हो कैसे अलग करोगे ठीक है कैसे अलग करोगे फिर से बनाओगे एक स्टेटमेंट अब जो स्टेटमेंट बना रही हूं देखो इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हो डू हैव एक्सटर्नल फिर से तुमने बनाया एक स्टेटमेंट तो ये क्या बन गया ये बन गया एक लीड दिस इज वॉट दिस इज लीड फिर से तुम्हें आंसर मिल रहा है यस और नो तो यस और नो दोनों को साथ में तुम क्या बोलोगे दोनों को साथ में तुम बोलोगे एक सेकेंड दोनों को तुम साथ में क्या बोलोगे बच्चों दैट दिस इज व्हाट दिस इज कपलेट तो अगर मैं आपसे पूछूं किसके पास एक्सटर्नल ईयर होता है तो एक्सटर्नल ईयर मैमल्स का फीचर है तो मैमल कौन है बैट किसके पास नहीं होगा बर्ड्स तो देखो सिमिलैरिटी के बेसिस पर मतलब बर्ड बैट से सिमिलर नहीं थे उठा करके इनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया बैट के पास एक्सटर्नल तो इसको यहाँ पर रख दिया गया तुम चाहो तो फिश और फ्रॉक भी अलग कर सकते हो फिर से तुम्हें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट मतलब एक लीड चुननी पड़ेगी अपने मुताबिक तो डू दे लिम्स ठीक है तो ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ये क्या बन गया ये बन गया लीड क्या बन गया बच्चों ये बन गया लीड फिर से तुम्हें दो आंसर मिलेंगे नो टुगेदर क्या कहलाए जाएंगे यस और नो टुगेदर कहलाए जाएंगे कपलेट कहला तो ये क्या है कपलेट किसके पास लिम्स होते हैं बच्चों फ्रॉक के पास किसके पास नहीं होते फिश के पास तो आप खुद देखो हम लीड बनाते चले गए और चारों को अलग करते चले गए तो क्या ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है मेरे को तो नहीं लगता है ना तो इतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं है बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं बट यस हम जब भी की बात करते हैं तो इसी तरीके से लीड और कपलेट का इस्तेमाल करते हैं इनको अलग करने के लिए ठीक है तो ये मतलब होता है बच्चों लीड का ये मतलब होता है कपलेट का हम खुद ही लीड बना रहे हैं यार अपने से बना रहे हैं फिर खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं ठीक है तो वॉट वी आर डूइंग वी आर एनालाइजिंग दैट इज इसको बोला जाता है एनालिटिकल इन नेचर क्या बोला जाता है बच्चों एनालिटिकल इन नेचर और ये देखो ये तो हमने जानवरों को अलग करने के लिए बनाया कि पंख है या नहीं है कान है या नहीं है लिम्स है या नहीं है तो जब हम प्लांट्स के लिए बात करेंगे तो ये भी हम बात करेंगे पंख है कान है और लिम्ब है जब हम प्लांट के लिए बात करेंगे तो हम अलग तरीके से लीड बनाएंगे सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है सीड नेकेड है या नहीं है ठीक है फ्लावर बन रहा है या नहीं बन रहा है कितने हैं एक या दो है तो इसीलिए एनसीआरटी लिखती है अगर कैटेगरी बदलेगी ठीक है उसी हिसाब से तुम्हारा की भी बदलेगा क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हारा लीड भी बदलेगा

जैसे आप बचपन से बचपन से तो नाइन्थ क्लास से थोड़ा तो पढ़ना शुरू कर देते हो नाम सुनना शुरू कर देते हो फ्लोरा एंड फाउना तो इतना बेसिक आइडिया तो है आपको कि फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स है ना तो फ्लोरा क्या होता है बच्चों बुक कंटेनिंग नेम ऑफ स्पीशीज नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर एरिया ठीक है तो फ्लोरा क्या है बच्चों बुक है ठीक है इट इज अ बुक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों जिससे फ्लोरा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओके okay. सो so, एक एग्जाम्पल है बच्चों जैसे यार मैं बोल रही हूँ कि फ्लोरा एक बुक है ठीक है और उस बुक में जैसे हम हमें हमें स्कूल में प्रोजेक्ट बनता है ना तो आप उस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाने वाले हो उसका इंडेक्स पहले से ही लिख लेते हो कि जैसे मैं मैं बात करूँ तो मैंने इस लेक्चर में क्या आपको बताने वाली हूँ उसका इंडेक्स यहाँ पर है दैट इज इजोनॉमिकल एड सिमिलरली फ्लोरा में क्या होता है फ्लोरा भी में इंडेक्स होता है ठीक है इंडेक्स किसका प्लांट स्पीशीज का प्लांट स्पीशीज का फाउंड इन Found या present in particular area. इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चों और यूनिवर्सिटी कुछ लोगों को मेरी पता होगी जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है नहीं पता है तो अभी बताती हूँ दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो आपको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ठीक है Uh, बहुत बड़ी है बहुत ग्रीन है ग्रीन ही मतलब कारपेट बिछा हुआ है बहुत सारे प्लांट्स है वहां पर जितनी सारी बिल्डिंग्स है ऑब्वियसली बड़ी है तो बहुत बिल्डिंग्स है ठीक है और बहुत ग्रीनरी है मतलब बहुत सारे पेड़ हैं ठीक है ठीके? और बी का कैंपस एशिया सा लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है तो आपको पता है कि कितना बड़ा होगा तो उसमें घूमने के लिए भी अगर आपको घूमना है तो यू नॉट वॉक ठीक है वैसे यूनिवर्सिटीज बहुत सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बड़ी होती है बी के बारे में आपने सुना भी होगा ठीक है तो वहां पर बस चलती है है ना? यूनिवर्सिटी तो जो, जो है बाकी पेड़ मिल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही तो वहां के हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के ठीक है उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फ्लोरा ऑफ कौन कौन से प्रोफेसर है बच्चों एन दुबे ये इनका ऑथर का नाम है बच्चों अगर आप गूगल भी करोगे वगैरह पे भी बुक मिलेगी तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा इस नाम से ही पता चल जाएगा बच्चों फ्लोरा का मतलब क्या है मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब की लिस्ट इस किताब में है ठीक है तो फ्लोरा में क्या है पूरे जगह का नहीं एक पर्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट स्पीशीज हैं उन सब की लिस्ट को हम बोलते हैं फ्लोरा तो क्या बताना चाहते हैं एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट्स मिल सकते हैं और उन प्लांट्स का हैबिटेट कैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किस किस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में मिल सकते हैं ठीक है तो लिखते हैं इट गिव्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ इट गिव्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों की इंडेक्स वाला कौन है तो फ्लोरा है ठीक है पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज ठीक है प्लांट स्पीशीज के लिए पर्टिकुलरली जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उसके लिए कौन है तो फ्लोरा है कौन हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन बताता है प्लांट स्पीशीज का तो कौन है फ्लोरा है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है मैनुअल ठीक है मैनुअल क्या होता है बच्चों मैनुअल में मैनुअल क्या होता है ठीक है यार आजकल बहुत सारा जब हम इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलता है वैसे तो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो ठीक है आप क्या ख़रीद रहे हो आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो तो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है ठीक है आपको बताने के लिए सिखाने के लिए समझाने के लिए कि हाउ यू हैव टू ऑपरेट मशीन, है ना सिमिलरली मैनुअल में क्या होता है आइडेंटिफिकेशन एक प्लांट को एक स्पीशीज को तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे आइडेंटिफिकेशन ठीक है मतलब इंफॉर्मेशन कि इस किताब में किसकी इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया जैसे ज़ेब्रा है यार तो ज़ेब्रा एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मिल रहा है तो उस ज़ेब्रा को कैसे पहचानोगे तो उसके रिलेटेड उसे इंफॉर्मेशन होंगी कि हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट स्पीशीज

में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी ऑन वन टेक्सोन और टेक्सोन का मतलब बताया था बच्चों टेक्सोन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आम भी हो सकता है मैंजी फेरा इंडिका मान लो कोई एक किताब है उस किताब में सिर्फ मैंजी फेरा इंडिका का जिक्र है तो मैंजी फेरा इंडिका क्या है मैंजी फेरा इंडिका एक टेक्सॉन है तो इस किताब को क्या बोला जाएगा मोनोग्राफ बोला जाएगा अगर आपसे पूछा जा आपको आपसे पूछा जाए कि एक किताब में सिर्फ होमोसेपियंस का जिक्र है ठीक है तो होमोसेपियंस क्या है एक टेक्सॉन है तो जब एक ही टेक्सॉन का जिक्र हो उसको भी क्या बोला जाएगा मोनोग्राफ बोला जाएगा अगर एक किताब में सिर्फ मैमेलिया का जिक्र है तो मैमेलिया भी क्या है मैमेलिया भी एक टेक्सोन है

उसकी डिस्क्रिप्शन होगी आपको फैब्रिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं है ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कहीं से भी करो ठीक है फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा मिंत्रा के बारे में सबको पता होगा तो आप देखते हो आपको एक पर्टिकुलर चीज लेनी है ठीक है आपको एक शर्ट पसंद आ रही है अपने शर्ट को खोला तो उसमें शर्ट का फैब्रिक कॉटन है पॉलिस्टर है सिल्क है रेयन है क्या है वट इट इज वो सारी डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन होगी अलॉन्ग पिक्चराइजेशन बट कैटलॉग की खास बात क्या है यार जैसे आप मिंत्रा शॉपिंग करो आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड से ही शर्ट लेनी है तो आप क्या लगाओगे फिल्टर फिल्टर पे गए आप ठीक है उसके बाद क्या करते हो आपको मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल लुई फिलिप की टी शर्ट लेनी है शर्ट लेनी है तो यार आप क्या करोगे एक एक करके सर्च करोगे आपको पता है इट स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेटर एल तो एल्फाबेटिकली अरेंज होता है, है ना सिमिलरली कैटलॉग एक अगर किताब है ठीक है और आपको पढ़ना है मान लो मैंजी फेरा इंडिका के बारे में ठीक है तो आप सीधा किस पर जाओगे लेटर एम पर जैसा आप डिक्शनरी में करते हो लेटर एम पर जाओगे क्योंकि सब कुछ इस किताब में अल्फाबेटिकली अरेंज होगा तो आप फटाक से मैंजी फेरा इंडिका के पेज पर जाओगे और उसके बारे में स्टडी कर लोगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो इसका फायदा ये है टाइम बचाएगा क्यों क्योंकि ये अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है तो इट इज बेस्ड ऑन एल्फाबैटिकल मैनर एल्फाबैटिकल फ्लोरा तो so क्या कंटेंट करता है फ्लोरा डेड स्पेसिमेंट होता है फ्लोरा में हम कुछ प्रिजर्व थोड़ी कर रहे हैं फ्लोरा तो किताब है उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें ठीक है कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स नहीं ये तो म्यूजियम है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था ना बच्चों यही लाइन आता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन ये कौन है बच्चों ये मोनोग्राफ के बारे में है ठीक है किसके बारे में है मोनोग्राफ के बारे में है ये किसके बारे में है बच्चों स्केलेटन्स ये म्यूजियम के बारे में है ठीक है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सोन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी फाउंड इन अगर एनी वन टेक्सोन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये कौन सा होता है बच्चों मोनोग्राफ होता है द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर इन कैप्टिविटी जेल में रखते हैं कैप्टिविटी का मतलब जेल होता है और उनको ह्यूमन केयर ये तो आपको पता है कौन सा होगा बच्चों जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क आर केप्ट इन तो ये तो हर्बेरियम शीट तो बच्चों सरासर नहीं होगा फुल्ली मैन मेड इन्वायरमेंट मतलब हम शेर के साथ बैठे रहते हैं उनको देखने के लिए नहीं उनको छोड़ देते हैं समय, समय पर उनको खाना पानी जो देना देना इतनी केयर करते हैं बैठे नहीं रहते हैं तो फुल्ली मैनमेड तो ऑब्वियसली नहीं है उनको नेचुरल जंगल जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है और थोड़ा बहुत हम भी उनको देखभाल करते हैं कंटेनर्स में रखते हैं नहीं ये है, तो म्यूजियम की बात है कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट्स यस ये सही है और टेक्सोनॉमिकल की इज यूज फॉर टेक्सोनोम पूरा पूरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कंजर्विंग के लिए तो नहीं पढ़ रहे हम इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं ठीक है कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है कान है या नहीं एक्सटर्नल ईयर विंग्स है या नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ठीक है सो यस बचो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट वॉज ऑल अबाउट एक्सोनॉमिकल एड जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरी वन